हमेशा सफेद टोपी और सफेद कुर्ता पहनने वाला महाराष्ट्र के अंडरवर्ल्ड डॉन माफिया नेता और गैंगस्टर अरुण गवली सेंट्रल मुंबई की दगली चाल में रहता था। कहा जाता है कि गवली की इजाजत के बिना मुंबई पुलिस भी वहां अपना पैर नहीं रख सकती थी। दगली चाल में हमेशा ही गवली की सुरक्षा में हथियारबंद लोग तैनात रहते थे। 1990 में जब मुंबई में गैंग वार जोरों पर था तो मुंबई से सारे गैंगस्टर एक एक कर मुंबई छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन गवली ही एक ऐसा था जो मुंबई छोड़कर भागा नहीं। गवली पर बनी डैडी फिल्म की पोस्टर की टैगलाइन भी कहती है द ओनली हु डिड नॉट रन, यानी एक ऐसा इकलौता शख्स जो मुंबई छोड़कर भागा नहीं। क्राइम स्टोरी में आज बात मुंबई के विधायक अरुण गवली की। मुंबई के चौल में एक साधारण सा रहने वाला लड़का माया नगरी पर राज करने लगता है। इनकी जिंदगी की कहानी इतनी दिलचस्प है कि उनके ऊपर हिंदी और मराठी में फिल्में भी बन चुकी है। अरुण गवली अंडरवर्ल्ड में करीब 3 दशकों तक रहा और इसके ऊपर किडनैपिंग, हत्या और वसूली के दर्जनों मामले दर्ज हैं। गवली का जन्म 17 जुलाई 1955 को अहमदनगर जिले में हुआ था। उनके बचपन का नाम अरुण गुलाब राव अहिर था। गवली के डॉन बनने की कहानी 1970 के दशक में तब शुरू होती है जब मुंबई टेक्सटाइल मिल्स में ताला लग गया। लाखों मजदूर बेरोजगार हुए, भूखमरी बढ़ी, तभी चौल में रहने वाले मजदूर अंडरवर्ल्ड की चपेट में आने लगे और इसी में से एक था गवली। पैसा कमाने के लिए गवली ने शॉर्टकट अपनाया व हफ्ता वसूली शुरू कर दिया। वसूली करते करते गवली रमा नायक बाबू रेशीम के साथ मिलकर बीआर गैंग बनाई। रमा नायक और गवली दोनों अच्छे दोस्त थे और रमा नायक को अंडरवर्ल्ड के धंधे के बारे में अच्छी जानकारी थी, इसलिए गवली उसकी बातें भी सुनता था। 1984 में रमा नायक ने दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी को उसके आपराधिक गतिविधियों में मदद की। इसी बीच गवली की मुलाकात दाऊद से भी होती है। 1987 में नायक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। रमा नायक की मौत के बाद दगली चौल में बनी गैंग बीआर का धंधा गवली ने अपने हाथों में लिया। गवली को ऐसा लगता था नायक की मौत जिस एनकाउंटर में हुई थी उसकी प्लानिंग दाऊद ने बनाई थी, और तभी से 1987 से 1990 तक डी कंपनी और गवली की गैंग में गैंगवार की शुरुआत होती है। इसी बीच दाऊद की बहन हसीना पालकर के पति इब्राहिम को गवली ने मार दिया था। बदले की आग में 1990 में दाऊद ने गवली के बड़े भाई किशोर की हत्या करवा दी थी। गवली को ये बात पता थी कि वो कितना भी गैंगवार कर ले, लेकिन मुंबई का बेताज बादशाह तो सिर्फ दाऊद इब्राहिम ही है। लेकिन 1993 में मुंबई में हुए बम धमाके से पहले दाऊद भारत छोड़कर दुबई भाग गया था। दाऊद के दुबई चले जाने से उसका गैंग भी टूटने लगा था और धमाके के बाद दाऊद का राइट हैंड कहे जाने वाला छोटा राजन भी उससे अलग हो गया, और धमाके के बाद छोटा राजन भी मुंबई छोड़कर मलेशिया चला जाता है। ऐसे में इन सभी के मुंबई छोड़ के चले जाने का जो सीधा फायदा हुआ वो गवली को मिला था। मुंबई से ज्यादातर अंडरवर्ल्ड डॉन भाग चुके थे। अब मुंबई में गवली का सामना अमर नायक की गैंग से था। ये अपनी गैंग को 7 रास्ता के लाल बिटाची चौल से संभालता था। दोनों के बीच मुंबई के तख्त को लेकर गैंगवार शुरू हुई। गवली के शार्प शूटर रविंद्र सावंत ने अप्रैल 1994 को अमर नायक के भाई अश्विन नायक पर जानलेवा हमला किया, लेकिन वह बच निकला। इसके बाद मुंबई पुलिस ने अगस्त 1996 को गवली के दुश्मन अमर नायक को एक एनकाउंटर में मार गिराया और उसके बाद अश्विन नायक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बस तभी से मुंबई पर गवली का राज चलने लगा। दगली चौल को गवली ने एक किले की तरह बनवाया था। उसके चारों तरफ 15 फीट के दरवाजे थे और वहां गवली की सुरक्षा में हर वक्त हथियारबंद लोग तैनात रहते थे। कई मीडिया रिपोर्ट ने ये दावा भी किया है कि उस वक्त गवली की गैंग में तकरीबन 800 लोग काम करते थे और उन सभी 800 लोगों को हथियार चलाने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी। इतना ही नहीं, उन लोगों को हर महीने का वेतन भी दिया जाता था। मुंबई के कई बिल्डर और बड़े बिजनेसमैन अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए और दुश्मनों के खात्मे के लिए गवली की मदद लेते थे। गवली ने भी इन कामों से खूब पैसा बनाया। मुंबई में गवली ने सुपारी लेने का भी काम शुरू किया। पुलिस की माने तो ऐसे कई मामले थे जिसमें गवली ने सुपारी लेकर हत्या
और मारपीट की घटनाओं को अंजाम दिया था, लेकिन सबूत और गवाहों की कमी के चलते वो हर बार बच जाता था। उसका प्रभाव इतना बढ़ गया था कि लोग उसे सुपारी किंग कहने लगे थे। गवली कई बार गिरफ्तार भी हो चुका था, लंबे समय तक उसे जेल में भी रहना पड़ा था, लेकिन बहुत से केसों में सबूत न होने की वजह से उसे छोड़ दिया जाता था। दावा किया जाता है कि गवली के हर बार बचकर निकलने में मुंबई पुलिस का भी हाथ था। अंडरवर्ल्ड में धाक जमाने वाले गवली को हमेशा ही कानून का डर रहता था। उसे पता था कि एक न एक दिन पुलिस उसके ऊपर शिकंजा जरूर कसेगी। ऐसे में उसे राजनीति की शरण में जाना ही सबसे आसान लगा। इसी की वजह से 2004 में गवली ने अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा अखिल भारतीय सेना। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2004 में गवली ने अपने साथ कई उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे और गवली इस चुनाव में चिंचपोकली विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरा और जीत भी गया। एक समय ऐसा था जब शिवसेना गवली की सहायता करती थी। एक रैली में शिवसेना के प्रमुख बाल ठाकरे ने तो इतना तक कह दिया था कि अगर पाकिस्तान के पास दाऊद है तो भारत के पास गवली है, लेकिन कुछ वजह से शिवसेना और गवली के रिश्तों में दरार आ गई थी। विधायक बन जाने के बाद गवली को इस बात का घमंड हो गया कि पुलिस उसे अब गिरफ्तार नहीं कर सकती है। 2008 में गवली ने शिवसेना पार्षद कमलाकार जमसांदेकर की हत्या की सुपारी ली और उसका मर्डर भी करवा दिया। इस हत्या के लिए गवली ने 30 लाख रुपए की सुपारी ली थी। 2008 में ही शिवसेना पार्षद की हत्या के मामले में गवली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिसे 2012 में हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा। यह पहला मौका था जब गवली को किसी अदालत ने दोषी मानकर सजा सुनाई थी। फिलहाल गवली नागपुर के सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है और गवली के जेल जाने के बाद मुंबई पुलिस ने गवली गैंग का भी मुंबई से सफाया कर दिया था। लेकिन अगस्त 2018 में गवली उस वक्त चर्चा में आ गया जब जेल में रहते हुए उसने गांधीवादी की परीक्षा में टॉप किया था। नागपुर सेंट्रल जेल में 1 अक्टूबर 2017 को गांधीवाद से जुड़ी परीक्षा हुई थी, जिसमें कुल 160 कैदियों ने भाग लिया था, जिसमें से गवली ने 80 में से 74 सवालों का सही जवाब दिया और परीक्षा में टॉप किया था। सहयोग ट्रस्ट के ट्रस्टी रविंद्र भुसीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा था, हमें खुशी है कि गवली ने जेल में गांधीवाद के सिद्धांतों को आत्मसात करने के लिए गंभीर प्रयास किए। तो ये थी गवली के अपराध और राजनीति की पूरी कहानी। महाराष्ट्र और मुंबई की गलियों में गवली अब सिर्फ एक नाम बनकर रह गया है। आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं और साथ ये भी बताएं कि राजनीति में अपराध की भागीदारी पर आप क्या सोचते हैं। अगर आप ये वीडियो मेरा YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। साथ ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें लोकमत न्यूज़ हिंदी के साथ।